नमस्ते, मैं उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हूं और मैं निपुण भारत के अंतर्गत बुनियादी भाषा और गणित पढ़ाता हूं। हम शिक्षकों को एक निपुण किट प्रदान की गई है और ये किट मेरे बहुत से काम आसान कर देती है। मैं इसकी मदद से शिक्षण योजना की अच्छी तैयारी कर पाता हूं, नए रोचक तरीके अपनाता हूं बच्चों को पढ़ाने के लिए और अपना वक्त बचाता हूं। जब मुझे ये सारी सामग्री दी गई थी तो मेरे मन में कई प्रश्न उठे थे, जैसे हर दिन संदर्शिका का प्रयोग कब करना है, कैसे करना है और क्या पढ़ाने के लिए करना है, और बच्चों को कार्यपत्र कब देना है और कैसे देना है। अच्छे शिक्षण के लिए जरूरी है अच्छी तैयारी और मैं अपनी शिक्षण के लिए तैयारी एक दिन पहले नियमित रूप से करता हूं। तैयारी के लिए मैं शिक्षक संदर्शिका से देखता हूं कि कल मुझे कहां से पढ़ाना है। तो जैसा आप देख सकते हैं, मैंने पहले 4 सप्ताह के शिक्षण को पूरा कर चुका हूं मैं, तो मतलब कल मैं सप्ताह 5 से शुरू करूंगा। तो संदर्शिका में जरा देख लेते हैं कि 5वें सप्ताह का पहला शिक्षण उद्देश्य क्या है। तो जैसा आप देख सकते हैं, कल का मेरा शिक्षण उद्देश्य रहेगा 1 से 9 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ बना पाना। इस शिक्षण उद्देश्य को पढ़ाने के तरीके को जानने के लिए मैं शिक्षण योजना पढ़ता हूं। इस योजना से मुझे कई गतिविधियां मिलती हैं जिससे मैं मजेदार तरीके से बच्चों को यह शिक्षण उद्देश्य सिखा सकूं। इसके ऊपरी हिस्से में जरूरी संसाधन और सामग्री दी गई है जिसे मैं नोट कर लेता हूं ताकि मैं इसको ध्यान से कल क्लास में लेके आऊंगा, और यहीं पर आवश्यक पूर्व ज्ञान और सामान्य भूल दी गई है। इनको अगर मैं ध्यान में रख लेता हूं तो कल क्लास में मुझे बच्चों की गलतियां पहचानने में और उनकी मदद करने में बहुत आसानी हो जाती है। शिक्षण योजना पढ़ने के बाद मैं बच्चों की कार्य पुस्तिका को खोलता हूं और उसका कार्य पत्रक पढ़ लेता हूं ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि कल बच्चे क्या प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न करने वाले हैं। कार्य पत्रक पढ़ने के बाद मैं वापस शिक्षक संदर्शिका पढ़ता हूं जिसमें मैं अभ्यास गतिविधि पढ़ता हूं। ध्यान रहे कि 1 पेज में 3 अभ्यास गतिविधि दी गई है, तो जो उनसे संबंधित हो उसी को मैं अच्छे से पढ़ लेता हूं, और अगर उसके लिए कुछ अधिक सामग्री की जरूरत पड़ सकती है तो उसको भी नोट कर लेता हूं कल क्लास में लाने के लिए। तो इस प्रकार से मेरी तैयारी अब पूरी हो गई। मैं अधिकतर स्कूल सवेरे जल्दी पहुंच जाता हूं और ध्यान रखता हूं कि मैं अपने भाषा और गणित दोनों की संदर्शिका लेकर आया हूं। सुबह की प्रार्थना के बाद मेरा दिनचर्या शुरू। पहले 3 कालांशों में मैं भाषा पढ़ाता हूं और अगले 3 कालांशों में गणित। इस वीडियो में मैं आपको गणित के 3 कालांशों में मैं संदर्शिका का उपयोग कब और कैसे करता हूं ये बताने वाला हूं। गणित के पहले कालांश की शुरुआत में हमेशा शिक्षण उद्देश्य को स्पष्ट तरीके से बताकर करता हूं। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं को लिखना पढ़ना जाना है, ठीक है। आज हम लोग 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को पढ़ना और लिखना जानेंगे। सब कुछ लिए तैयार है? वेरी गुड, ठीक है। सबसे पहले मैं करूं गतिविधि जिससे बच्चों का अवधारणा से शुरुआती परिचय हो जाता है। ये परिचय कराने के लिए मैं कुछ ठोस वस्तुओं का इस्तेमाल करता हूं और अवधारणा को बच्चों के सामने करके दिखाता हूं। ये 3, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। समझिए, इतना जब होगा तब उसको कहेंगे 9, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। इतनी जब चीजें होती है तो उसको कहेंगे 9। बच्चों, अभी हमने करके दिखाया ना, 1 से लेकर 9 तक गिन करके दिखाया, अब आप लोग करिएगा। अच्छा, अब हम जो बताएंगे है ना, उतनी चीजें आप लोग निकाल करके साइड में रखिएगा अपने, है ना, ठीक है। चलिए, 4, 9। ये कोई जरूरी नहीं कि ये स्टिक हो तभी 9 हो, कुछ भी हो सकता है, पेंसिल 9 हो सकती है, पेन 9 हो सकती है। साथ ही साथ मैं उनसे इस अवधारणा के ऊपर चर्चा भी करता हूं ताकि भाषा के माध्यम से भी वो इस अवधारणा को समझना शुरू कर सके। कुर्सी ना होती है, वेरी गुड। और बताओ क्या ना होता है? हाँ, तुम बता बेटा। पेड़ ना होता है, तुम बता बेटा। चाबी भी ना होती है। परिचय करवाने के बाद मैं कालांश की दूसरी गतिविधि पे पढ़ता हूं जो है हम करें गतिविधि।
बच्चों हम कुछ चित्र जो है आपके बोर्ड पे बना रहे हैं, देखिए ना, ध्यान देखिए क्या बना रहे हैं। जिसका मतलब है कि इस गतिविधि में मैं कुछ करके नहीं दिखाने वाला हूँ, हालांकि बच्चों के साथ मिलकर इस अवधारणा पे काम करने वाला हूँ। इस उद्देश्य को पढ़ाने के लिए मैंने सोचा है कि कुछ चित्र इस्तेमाल करूंगा और चित्रों के माध्यम से मौखिक रूप से गिनती का दोहरान करवाऊंगा। इससे हमारी ELPS अप्रोच भी फॉलो हो जाती है। अब हम गिन रहे हैं, आप लोग देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये कितने फूल बने हैं? 7 फूल बने हैं, ये हमने आपको गिन करके दिखाया है, ठीक है? अब हम कुछ और बनाएंगे, अब हम लोग सारे लोग मिलकर के उसको बताएंगे, ठीक है? चलिए हम लोग एक साथ मिलकर के ये बैठ है ना, ठीक है, बैठे आगे सब नहीं, ये क्या है? ये अवधारणा को और समझ बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से थोड़ा काम कर रहे हैं तो मुझे भी मौका मिल जाता है उनकी समझ को जांचने का और कमजोरियां पहचानने का। तो जैसा आज मैं दो तालिका बना रहा हूं जिसमें एक तरफ कुछ चित्र बनाऊंगा और दूसरी तरफ कुछ अंक लिख रहा हूं मैं। फिर मैं बच्चों को बोलूंगा कि चित्रों को गिनो और इनको अंकों से मिलाओ। इस गतिविधि में बच्चों को चित्रों को गिनना है, उसके बाद अंक पहचानने हैं और फिर उसके बाद सही गिनती को सही अंक से जोड़ना है। तो इस प्रकार से हम ELPS के चारों सिद्धांतों को इस गतिविधि के जरिए छू पाते हैं। अच्छा ये बताइए कि फैजा ने स्टार को 5 से क्यों मिलाया? स्टार 5 था, वेरी गुड। तुम करक खड़ी हो बेटा, ये बताओ बॉल को 7 से क्यों मिलाया? क्या थी? इसके अंत में मैं फिर शिक्षण योजना में दी गई प्रश्नों को पूछ लेता हूं अपने कक्षा से और उनके जवाबों के जरिए उनकी समझ को परख लेता हूं। अगर 70% से ज्यादा बच्चों ने इन सवालों के जवाब सही दिए तो अगले कालांश में मैं कार्य पुस्तिका करवाऊंगा। अगर नहीं तो फिर मैं यही वाली शिक्षण योजना के तीनों गतिविधियों को दोबारा दोहराता हूं अगले कालांश में। गणित के दूसरे कालांश में मैं बच्चों का अवधारणा का अभ्यास करवाने के लिए कार्य पत्रक का इस्तेमाल करता हूं। तो सबसे पहले मैं कार्य पुस्तिकाएं बांट देता हूँ कक्षा में, क्योंकि सोमवार से शनिवार तक कार्य पुस्तिका मैं अपने साथ रखता हूँ और शनिवार को उनको दे देता हूँ गृह कार्य करने के लिए। फिर एक बार बच्चों से सही कार्य पत्रक खुलवा लेता हूँ और फिर एक प्रश्न मैं खुद उनके साथ मिलकर करता हूँ ताकि उनको एक उदाहरण मिल जाए। और हाँ, अगर अभ्यास पुस्तिका में कोई चित्र बहुत कठिन होती है ब्लैक बोर्ड पे बनाने के लिए तो मैं उसको आसान बनाकर दूसरा कोई चित्र बना देता हूँ। तो हम पहले अभी करके दिखाएंगे, है ना, कैसे ये पूरा पेज भरना है, हम अभी करके दिखा रहे हैं, आप लोग देखिए। तो ये ऐसी लाइन खींची हुई है और यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ पे 7 लिखा है। अब देखिए हम कैसे कर रहे हैं, आप लोग देखिए, इसको हम गिनेंगे पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आम कितने हैं? 9 आम है। तो 9 कहाँ लिखा है? ये भी नहीं लिखा है, ये लिखा है और ये 7 है। तो जहाँ 9 लिखा है ना, क्योंकि 9 आम है इसलिए हमने 9 को गोला बना दिया, है ना। आप लोग देखिए, अब ये वाला बीच वाला तो हमने कर दिया, ठीक है, अब ये वाला और ये वाला आप लोगों को करना है। इस कालांश में बच्चों को अभी इससे एकदम पहले जो उनने अवधारणा सीखी है उसको अभ्यास करने का मौका मिल जाता है, जिससे उनकी समझ थोड़ी और पक्की हो जाती है। जब बच्चे कार्यपत्र कर रहे होते हैं तो मैं क्लासरूम में चलता रहता हूं और देखता रहता हूं कि बच्चे कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, पर हाँ मैं उनको सही जवाब नहीं बताता हूं। अगर वो कुछ गलतियां कर रहे होते तो मैं उनसे और सवाल पूछने की कोशिश करता हूं ताकि उनकी समझ खुद से आगे बढ़ सके। कालांश के अंत में
मैं सारी कार्य पुस्तिकाएं वापस ले लेता हूं, उनको रख लेता हूं जांच करने के लिए। गणित के तीसरे कालांश में जो अवधारणा अभी पिछले दो कालांश में सिखाई गई है उसको थोड़ा मजेदार तरीके से और पक्का करने के लिए मैं संदर्शिका की अभ्यास गतिविधि कराता हूँ। हम लोग एक गतिविधि करेंगे ताकि हम लोग का ज्ञान जो है और पक्का हो जाए, ठीक है? अब हम हवा में कुछ चीजें लिखेंगे ना, आप लोग गेस करिएगा हम क्या लिख रहे हैं। इसमें ज्यादातर बच्चे खेल कूद में कुछ वस्तुओं का इस्तेमाल करके अवधारणा की समझ को और पक्का करते हैं और साथ ही उनको काफी मजा भी आता है। एक बार जब तीसरा भी कालांश खत्म हो गया, दिनचर्या मेरा अभी तक खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अब मैं बैठ के अगले दिन की तैयारी करता हूं जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी संदर्शिका और कार्यपत्रक को पढ़कर। तो ये थी मेरी रोज की प्रक्रिया जिससे मैं गणित टूल किट का इस्तेमाल करता हूं अपने शिक्षण को दैनिक रूप से आसान और मजेदार बनाने के लिए। इसके चार कदम हैं। सबसे पहला एक दिन पूर्व की बैठ के तैयारी, फिर दिन के तीन कालांश की पढ़ाई और फिर अगले दिन के लिए तैयारी। एक दिन पहले मैं शिक्षक संदर्शिका और कार्य पुस्तिका को अच्छे से पढ़ लेता हूं जिसमें दी गई पाठ योजना, अभ्यास गतिविधि और कार्य पत्रक पढ़ लेता हूं और नोट कर लेता हूं कि आवश्यक सामग्री क्या होगी ताकि मैं कल इसको क्लास में लेके आऊं। पहली कालांश की शुरुआत में मैं संदर्शिका में दी गई पाठ योजना करवाता हूं जिसमें सबसे पहले मैं शिक्षण उद्देश्य बता देता हूं, फिर उसके बाद जो तीन गतिविधियां मैं करूं, हम करें, तुम करो, वो करवाता हूं। अगर 70% से ज्यादा बच्चों ने अवधारणा पकड़ ली है तो अगले कालांश में मैं उनका अभ्यास करवाता हूं कार्य पुस्तिका के माध्यम से। तो मैं दी गई कार्य पुस्तिका बांटता हूं, कार्य पत्रक खुलवाता हूं, एक उदाहरण खुद से ब्लैक बोर्ड पर करके बताता हूं और फिर उसके बाद बच्चे स्वतंत्र रूप से कार्य पत्रक करते हैं। तीसरे कालांश में संदर्शिका में दी गई अभ्यास गतिविधि कराता हूं जिससे बच्चे जो सीखी गई अवधारणा है उसको थोड़ा मजेदार तरीके से अपनी समझ को पक्की बना पाए। दिन के अंत में दोबारा कल के लिए तैयारी शुरू हो जाती है, यानी कि पाठ योजना, अभ्यास गतिविधि, कार्य पत्रक पढ़ना और सामग्री नोट कर लेना। उम्मीद है आपको मेरी प्रक्रिया पसंद आई और आप भी इसी प्रकार की कुछ प्रक्रिया इस्तेमाल करेंगे ताकि आप भी जो गणित की संदर्शिका और कार्य पुस्तिका है उसका भरपूर इस्तेमाल कर पाए। धन्यवाद।